हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्विच। तो आज हम समझेंगे स्विच के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो स्विच क्यों यूज़ किया जाता है इसको पहले समझते हैं। एक बल्ब है, ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है। देखिए सर्किट कंप्लीट है ना, तो करंट फ्लो होगा, ठीक है। लाइव वायर से करंट आएगा और रिटर्न कहाँ पे करेगा, न्यूट्रल वायर में, ठीक है। तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, लेकिन ये तो दिन भर जलता रहेगा, है ना। हम चाहते हैं बल्ब दिन भर जलता रहे, ऐसा तो हम ही चाहते ना। हम चाहते हैं कि जब हमारी मर्जी हो जब जले, और जब हमारी मर्जी ना हो तो वो ग्लो ना करें। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्विच, ठीक है। तो स्विच कैसे हेल्प करता है, तो स्विच हमने यहां पे स्विच लगाया, ठीक है। अभी ये क्या है, देखिए कनेक्शन ब्रेक है ना, कनेक्शन ब्रेक है मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया स्विच ऑफ, ये कंडीशन हो गई स्विच ऑफ। स्विच ऑन क्या होगा, स्विच ऑन की कंडीशन बना लेते हैं। देखिए कनेक्शन हो गया ना, कनेक्शन हो गया तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा और बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लो नहीं होगा और यहाँ पे ग्लो होगा। तो देखिए कितने सिंपल से हम क्या किया, हमने स्विच की हेल्प से जब हमारी मर्जी है, जब हमने कनेक्शन ब्रेक किया या ज्वाइन किया, तो स्विच क्या करता है, सर्किट स्विच क्या करता है, सर्किट ब्रेक और बताइए, हाँ एकदम सही, सर्किट ब्रेक या ज्वाइन करता है, बहुत जल्दी जल्दी करता है। आप स्विच घर में करते होगे कि जितनी आपकी स्पीड है उतनी तेजी से वो ब्रेक और ज्वाइन करता है ना, वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है, ठीक है। नहीं तो अगर स्विच नहीं होता तो क्या होता, अगर बल्ब आपको नहीं चाहिए ग्लो होना तो आप एक कैची लेते, आप यहाँ पे कट मारते तो वायर कट जाती, है ना। सोचिए नहीं होता स्विच तो, फिर जब ये वायर कट जाती फिर आपको चाहिए कि बल्ब ग्लो हो तो वायर को आप ज्वाइन करते सेलो टेप से, है ना, या जो अदर टेप होते हैं इन जो वायर ज्वाइन करने में लगते हैं उनसे ज्वाइन करते, और फिर यही करते रहते क्या, और कोई काम नहीं है क्या। तो आप देखिए स्विच कितनी हमारी हेल्प कर रहा है, नहीं तो हमें बार बार अपना सर्किट कैची से सीजर से कट करना पड़ता और फिर ज्वाइन करना पड़ता। अब इसमें सवाल ये आता है, इसमें सोचने वाली ये बात है कि हमने लाइव वायर में ही स्विच क्यों किया, अगर हम न्यूट्रल वायर में कर देते तो क्या दिक्कत होती। तो देखते हैं, अगर हम ये कनेक्शन न्यूट्रल वायर में करते अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ऑफ पोजीशन है, लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर इसको करते तो क्या फ़र्क पड़ता। तो ऑन पोजीशन में, तो ऑन पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए करंट फ्लो होता और उसको रिटर्निंग पाथ मिल जाता न्यूट्रल वायर के थ्रू, तो बल्ब ग्लो होता। लेकिन जब सर्किट ऑफ है, जब सर्किट क्या है, ऑफ, स्विच ऑफ है, अभी क्या है, स्विच ऑन, स्विच ऑफ है, तो हमारा क्या है, लाइव वायर अभी भी मेन से अटैच है, तो अभी भी इसका हायर पोटेंशियल है। क्या है, हायर पोटेंशियल, कहाँ क्या है लाइव वायर का, हायर पोटेंशियल, क्योंकि मेन से सप्लाई है, इसे वो कट ही नहीं किया है। तो अगर हमने इसको टच किया, अगर हमने इसको टच किया, ठीक है, तो ये हायर पोटेंशियल है, अपन अर्थ से कनेक्टेड हैं तो अपन क्या हो गए, जीरो पोटेंशियल में हो गए,
जब अपन जीरो पोटेंशियल में हो गया है तो करंट को एक पाथ मिल जाएगा और करंट हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ में चल जाएगा और हमें एक फैटल शॉक लग सकता है। ठीक है, और ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको। तो इसलिए हम हमेशा जो स्विच है, स्विच इज ऑलवेज, ठीक है, कहाँ कनेक्ट होता है, करेक्ट, स्विच इज ऑलवेज कनेक्ट इन लाइव वायर। स्विच को हमेशा हम लाइव वायर में ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हमने न्यूट्रल वायर में कनेक्ट किया, अगर हमने स्विच को न्यूट्रल वायर में कनेक्ट किया और तो लाइव वायर में, तो लाइव वायर अभी भी हाई पोटेंशियल है तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम स्विच को क्या करते हैं, इसी में करते हैं, कनेक्ट करते हैं स्विच को लाइव वायर में। उससे क्या होगा, जब स्विच ऑफ है, जब हमारा स्विच ऑफ है तो हमारे लाइव वायर का पोटेंशियल जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो पोटेंशियल, क्योंकि लाइव वायर से ही ब्रेक किया है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो पोटेंशियल। लेकिन अगर स्विच हमारा न्यूट्रल वायर में टच है तो लाइव वायर का हाई पोटेंशियल होगा, हमारा जीरो पोटेंशियल होगा, करंट फ्लो होगा और फैटल शॉक लग जाएगा, क्या लग जाएगा, फैटल शॉक। ठीक है, तो आई थिंक आपने ये समझ लिया होगा। इस पूरे चीज को बोलते हैं सिंगल पोल, क्या बोलते हैं, सिंगल पोल। ठीक है, अब हम समझेंगे डबल पोल। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं, स्विच क्या होता है, सर्किट ब्रेक करता है, ज्वाइन करता है। हमेशा स्विच जो होता है हम लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर न्यूट्रल वायर में कनेक्ट किया और स्विच ऑफ पोजीशन है लाइव वायर का, तब भी हाई पोटेंशियल होगा, हमारा जीरो पोटेंशियल होगा, क्योंकि हमने अर्थ पे हम खड़े हैं तो करंट फ्लो हो जाएगा हमारी बॉडी थ्रू और हम पे फैटल शॉक लग जाएगा। ठीक है, तो पहले स्विचिंग देखते हैं कैसे स्विच किया जाता है। अगर दो स्विच हो तो स्विचिंग, तो बहुत सिंपल है स्विचिंग करना।